हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मेरा नाम है जावेद। आप देख रहे हैं हेल्पफुल लास्टर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अफवाहें उड़ाई कि ट्रेन 31 मार्च से स्टार्ट हो सकती है, ट्रेन 1 अप्रैल से स्टार्ट हो सकती है, 3 अप्रैल से स्टार्ट हो सकती है या फिर 5 अप्रैल से स्टार्ट हो सकती है। इस तरह के बहुत से वीडियोज़ लोग ने बनाए, फेक टाइप की न्यूज़ बनाते हैं लोग, लेकिन दोस्तों रियल न्यूज़ नहीं बताते कि रियल न्यूज़ क्या है, ट्रेन कब से चलेगी या कब से बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। आगे बढ़ने से पहले प्यार भरा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दिएगा और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आप किस शहर में फंसे हुए हैं, किस प्रदेश में फंसे हुए हैं, ताकि आप लोग की जो अपील है वो इस वीडियो के माध्यम से सरकार तक पहुंच सके। दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि लोगों ने बहुत तरीके की अफवाहें उड़ाई कि अप्रैल में ट्रेन स्टार्ट हो जाएगी, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, 5 अप्रैल या 10 अप्रैल, लेकिन दोस्तों हकीकत ये है कि ट्रेनों का जो संचालन है वो पूरी तरह से रद्द कर दिया गया। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 22 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल तक ट्रेनों का संचालन पूरी तरीके से रद्द है। ऐसे में कोई स्पेशल ट्रेन चलाए जाना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था और बताया था कि अगर 2-4 ट्रेन चल जाती है या 10-20 ट्रेनें भी चल जाती हैं तो भी लोगों का भला नहीं हो पाएगा, क्योंकि लोग जो फंसे हुए हैं बहुत क्वांटिटी में, लाखों लाख की क्वांटिटी में फंसे हुए हैं। अब दोस्तों यहां पर हम बात करते हैं ट्रेन टिकट बुकिंग की, तो ट्रेन टिकट बुकिंग कभी बंद ही नहीं हुई थी। IRCTC की वेबसाइट जो होती है ऑनलाइन टिकट बुकिंग वाली, वो किसी टाइम बंद ही नहीं हुई थी। जो ट्रेन टिकट बुकिंग है वो सिर्फ 22 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल तक की वो बुकिंग बंद हुई थी। अगर आप 22 मार्च से 14 अप्रैल का टिकट सर्च करते हैं तो वहां पर बुकिंग नहीं शो करेगा, नहीं कोई ट्रेन शो करेगी, लेकिन अगर आप 15 अप्रैल का टिकट देखेंगे या 15 अप्रैल के बाद का कोई भी टिकट देखेंगे तो आपको बुकिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि आप ऑनलाइन टिकट बुकिंग कर सकते हैं 15 अप्रैल के बाद का किसी भी डेट का, चाहे आप अप्रैल का करिए, चाहे मई का करिए, चाहे जून का करिए। तो इस तरह से आप जाकर वेबसाइट पर टिकट बुक कर सकते हैं और यहां पर आप जान लीजिए कि 15 अप्रैल से ही टिकट की मारामारी स्टार्ट हो चुकी है। मुंबई जाने वाली, हावड़ा जाने वाली जितनी भी ट्रेनें हैं उसके अंदर कोई कंफर्म टिकट नहीं मिल रहा है, हालांकि इसमें वेटिंग है या फिर RAC है, लेकिन कंफर्म टिकट कोई भी नहीं बचा हुआ है। तो इस तरह से टिकट लगातार भर रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग को पता था कि शायद वेबसाइट बंद हो चुकी है ऑनलाइन टिकट बुकिंग की, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं था, बुकिंग की वेबसाइट चालू है। अगर आप 15 अप्रैल को यात्रा करना चाहते हैं या 15 अप्रैल के बाद यात्रा करना चाहते हैं तो ऑनलाइन टिकट बुक करा सकते हैं। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही ट्रेन की वीडियो लाता रहूंगा और कोई भी स्पेशल ट्रेन चलेगी मैं सबसे पहले वीडियो लेकर आऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।